ऑलमोस्ट एक सवा महीने के आसपास हम लोग जो है नहीं थे घर पे, तो बहुत ज़्यादा गंदा घर था। लेकिन होपफुली मतलब मैं बता देती हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट मेरी मेड आ गई थी और फटाफट हम लोगों ने मिल के पूरी सफाई अच्छे से हो गई है थोड़ी, बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं साफ़ सफाई। घर तो इतना गंदा क्योंकि यहाँ पे पानी वानी भी खूब बरसा था, आंधी वानी आई थी, तो घर बंद बंद घर इतना गंदा हो गया था कि रात में मैं पहुंची हूँ यहाँ, घर आई हूँ 11 बजे के आसपास। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट बेडरूम साफ़ किया क्योंकि सोना था, तो मैंने फटाफट बेडरूम थोड़ा सा साफ ऑफ किया और उसके बाद बेडशीट चेंज की। फिर उसके बाद फटाफट मैंने RO ऑन किया, RO बंद करके गई थी। फिर उसके बाद पानी वानी भर के रखा कि मॉर्निंग के लिए हो जाए। बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था क्योंकि एकदम इतना सारा गंदा देखे ना, गंदगी देखे ना, लगता है ना कि कैसे साफ़ करेंगे फटाफट, बट हो गया। मैं एक्चुअली रात में ही बैठे बैठे मैंने मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोच रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी कि कैसे काम होगा, बट मैंने रात में ही बैठे बैठे ब्लैंकेट से मैंने सब्जियाँ जो ख़त्म हो गई थी, जो थी ही नहीं है, तो मैंने सब्जियाँ भी ऑर्डर कर दी। कुछ चीज़ें छोटी मोटी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, वही मुझे मंगाना था, तो मैं इसीलिए पहले नहीं मंगाई थी क्योंकि मुझे जाना ही था। तो मैं सोची थी मैं वापस आके मंगाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें मुझे मंगानी थी, तो वो मैंने मंगाया। तो बस वो हो गया। फिर उसके बाद सुबह 7 बजे सारा सामान आ गया था, मॉर्निंग में आ गया था। उसके बाद फिर मेरी मेड आ गई, फिर हम लोगों ने मिल के पूरी सफाई कर दी है। तो अब बस रह गए हैं कर्टन वर्टन साफ करना, वो सब मैं आराम से धीरे धीरे करती रहूँगी। मोस्टली जो डस्ट जो थे, जो गंदगी जगह जगह दिख रही थी, वो सब काम अच्छा है। तो बस मैं भी ये नाश्ता बना रही, नाश्ता तो बना के फिर मैं जाऊँगी क्योंकि अक्षरा को भी स्कूल भेजना है, स्कूल वो जा नहीं पाई क्योंकि लेट हो गया था रात में, काफ़ी लेट हो गया था। तो बहुत प्रॉब्लम मुझे कुछ उसके, क्योंकि ज़्यादा नहीं उसका छोटा है, एक ही दिन की क्लास का छोटा है, तो फिर मैं करा लूँगी। बट फिर अभी मैं उसको नाश्ता तो बना के, नाश्ता करा के नहा था बॉलों के लिए, मैंने सोचा मैं आलू के पराठे बना लूँगी, तो वो लंच हैवी ब्रंच रहेगा, तो लंच और ब्रेकफास्ट बराबर बैठा तुम बोले नहीं, तुम आलू पराठे रहने दो, तुम झोल बना लो जो आलू टमाटर की बनती है सब्जी, आलू की वैसी सब्जी, और नहीं भी तो पूरी या रोटी पराठे जो भी होगा वो बना दूँगी, बना के फिर लोग नाश्ता करा के। तो बस चलते हैं फटाफट काम में लगते हैं। यहाँ कुकर ने सीटी बजा दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फिर मैंने फटाफट देखा आपने क्या आलू भून के रखा था, और मैंने बनाए थे आलू के पराठे। और ये मैं ना आपके साथ बहुत अच्छी एक सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ, ये आलू बैंगन की सब्ज़ी बन रही है और ये बहुत सिंपल थी, और ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों अगर मैं ये सब्ज़ी रात में बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके इसकी रेसिपी शेयर करूं। तो जैसे मैंने आपने देखा कि कढ़ाई ली, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें हम लहसुन डालेंगे और हरी मिर्ची, और ये थोड़े से अच्छे से इसमें इसके फ्लेवर आ जाएंगे और थोड़े से पक जाएंगे। उसके बाद हमें इसमें बैंगन, जो भरवा बैंगन के लिए यूज़ होता है ना बैंगन, वो हम इसमें इस सब्ज़ी के लिए यूज़ करेंगे। और आलू और बैंगन ना हमें लंबे लंबे में कट करने, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, इसमें ऐसे ही है ना, आलू लंबे लंबे कटते हैं और ये बैंगन लंबे लंबे कटते हैं। और इसके बाद इसको हम जो है इसी सब्ज़ी में ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। भूनेंगे क्या, मिक्स करके इसको एकदम स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। ये ना स्लो फ्लेम पे बनती है सब्ज़ी और इतनी टेस्टी होती है। अब इसमें कुछ नहीं पड़ेगा, बस इसमें सॉल्ट जाएगा, थोड़ी देर हम ढक के रखेंगे सब्ज़ी, और इसके बाद जब आपको लगेगा थोड़ा सा आलू और बैंगन सॉफ्ट हो गया है, तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और ये सब्ज़ी बन जाती है। इतनी यमी, इतनी टेस्टी लगती है ये चावल दाल के साथ या पराठे के साथ, आपको खाना पसंद है ना, तो ये बहुत अच्छी लगती है और जल्दी बनने वाली सब्ज़ी है। कुछ इसमें ज़्यादा वो नहीं करना है कि हाँ ये डालो वो डालो, बस बहुत सिंपल सी सब्ज़ी। बट आप बनाइएगा, बताइएगा मुझे कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। ये बहुत सिंपल सी और अच्छी सब्ज़ी बनती है ये,
मोस्टली लोगों को पसंद आती है। जैसे बहुत लोगों को ना आलू बैंगन में टमाटर पसंद नहीं आता, तो आप ये बना के खिला सकते हो। सिंपल में बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और ये नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में जो है वो तैयारी करी थी सब्ज़ी की, तो बहुत सारे ना मिले जुले वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं ना एक साथ ऐड कर दे रही हूँ। फिर हमको जो है दो दिन बाद, ये दो दिन के बाद का वीडियो है, हमें एक जगह पार्टी में जाना है, एनिवर्सरी थी वहाँ पर, तो वहाँ जाना है। तो उसके लिए ना अक्षरा के लिए मुझे शूज़ और वैली कुछ लेनी थी, तो मैं वहाँ पर शॉप पर आई, वहाँ पर मैंने अक्षरा के लिए शूज़ और वैली ली। उसके बाद फिर हम घर आने लगे, तो अक्षरा का मन कर गया पेस्ट्री खाने का, तो फिर हम पेस्ट्री शॉप गए, वहाँ से अक्षरा के लिए मैंने पेस्ट्री ली। और अभी उसके बाद फिर शाम को हमें पार्टी में निकलना था, तो बस हम सब वहाँ पे आगे की वीडियो देखेगा। हम लोग सब पार्टी में गए थे, खूब सारी मस्ती, खूब सारा सब लोगों ने वहाँ पर इंजॉय किया था। तो वहीं पे ये सब हम सब गए थे, वहाँ पे हम लोग सब लोग खूब इंजॉय किए, खूब मस्ती, खूब डांस, सब कुछ धमाल, बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया पार्टी थी। यहाँ पे सारे लोग देखिए सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सब ने खूब इंजॉय किया था वहाँ पे। स्पेशली अक्षरा ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि अक्षरा को वैसे भी जहाँ म्यूज़िक बजता है वहाँ पर वो डांस करने के लिए एकदम परेशान हो जाती है, तो अक्षरा ने यहाँ पर भी जो है फोकस उनका डांस पर रहता है कि उनको बस म्यूज़िक बजे, मामा मैं डांस करने जाऊँ, मैं डांस करने जाऊँ, तो उनको डांस करने रहते। मैंने कहा जाओ भाई इन्जॉय करो। हाँ, तो ये उन्होंने खूब डांस वांस की, खूब मस्ती की, फ्रेंड्स भी बहुत सारे बना लें, खूब इन्जॉय किया। आती है जब आदमी परेशान हो जाता है, उस समय हम सब साथ में बैठ के ढेर सारी चीजों को शेयर करते थे, और बहुत ऐसी यादें होती थी जिसमें कभी गमगीन भी होते थे, कभी खुश भी होते थे। मुझे जहां तक याद है, रिलेशन तो हम लोगों का बहुत पहले से है, लेकिन 82 में मैं आपके ग्रुप में आया, ढेर सारी चीजें हैं। बराबर आएगा। क्या हुआ? बहू खा रही, मतलब सास खा रही है, बहू नहीं खा रही है।